मुझे शिकायत है आपसे, मेरे उन भाई बहनों से, कि जो सर्दी जुकाम और बुखार के बाद भी घर में बैठे रहते हैं, छुपाते रहते हैं, ये समझते हैं कि कुछ नहीं हुआ, मुझे तो सर्दी जुकाम हुआ है, झोला छाप डॉक्टर से इलाज करवाते रहते हैं, और जब फेफड़ों में जब संक्रमण फैल जाता है तब आप बताते हो, तब आप नसलागंज आते हो, तब आप भोपाल की बात करते हो। सामान्य जन से भी कह रहा हूं, प्रमुख कार्यकर्ताओं से भी मुझे शिकायत है, कई बार मैं जिद करता हूं प्रमुख कार्यकर्ताओं, मैं आग्रह करता हूं कि जल्दी से जल्दी आ जाओ भोपाल, तब भी मुझे टालते रहते हैं, नहीं नहीं ठीक है, हम घर पे ही ठीक हो रहे हैं, टाइफाइड है, टाइफाइड का इलाज करवा रहे हैं। देखो ये महामारी अगर समय पे इसका इलाज शुरू कर दिया तो सर्दी जुकाम से ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं तो भुगता हूं, मुझे तो शायद विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहले कोविड मुझे हुआ था, तत्काल मैंने टेस्ट कराया, हाथ पांव दुखे, बुखार आया, टेस्ट करा के मैंने इलाज कराया, मैं ठीक होके आ गया, कुछ नहीं बिगाड़ा कोरोना ने मेरे। ये कार्तिक आपके सामने बैठा है, कार्तिक ने मुझे सवेरे उठ के कहा कि रात भर सोया नहीं मैं और हाथ पैरों में दर्द और बुखार है मुझे, हमने तुरंत टेस्ट कराया कार्तिक का, पॉजिटिव आए, और पॉजिटिव आए तो हमने तत्काल इनका इलाज करना शुरू कर दिया, इलाज घर पे ही किया, लेकिन जो दवाई थी वो तत्काल देना शुरू कर दी, और सावधानी के तौर पर मैंने भी दवाई खा ली संक्रमण की, साधना ने खा ली, हमारा निगेटिव आया, कुणाल को भी खिला दी, क्या बिगड़ता कोई, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट थोड़ी होते, हम लोगों ने भी दवाई खा ली, और उसका फायदा यह हुआ कि कोकिला को भी नहीं आया कोई कोरोना, मुझे भी नहीं हुआ कोरोना, और स्ट्रिक्टली फॉलो किया कार्तिकेय ने। होम आइसोलेशन का मतलब क्या है, होम आइसोलेशन का मतलब थोड़ी है ये थोड़ी कि पति बीमार है तो पत्नी रोटी देने जा रही है, बेटा बेटी उनके साथ जा रहा है, सबके सब संक्रमित हो जाओगे। होम आइसोलेशन का मतलब है अपने कमरे में बंद रहना, दूसरा नहीं आएगा, दरवाजे पर थाली रख जाए तो धीरे से खिसका के खा लो, कार्तिक ने ऐसे ही खाया, क्योंकि हमें पुत्र मोह नहीं है क्या, लेकिन उस कमरे की तरफ कदम नहीं रखा हमने, क्योंकि सुरक्षित रहना था, प्यार तो हम भी करते हैं ना, ऐसा थोड़ी कि नहीं करते, लेकिन ऐसा प्यार किस काम का कि जिसके कारण पूरा का पूरा परिवार संक्रमित हो जाए। तो आप मेरी बात सुन लो, परिवार के मुखिया के नाते डांट रहा हूं मैं, क्यों छुपाते हो भाई, समय पे क्यों नहीं बताते, क्यों ऑक्सीजन लगना चाहिए, क्यों वेंटिलेटर पर जाना चाहिए, मैं काहे के लिए मुख्यमंत्री बनाऊं, मैं काहे के लिए बैठाऊं, क्यों घबराते हो, समय पर बताओ ना। जिसको सर्दी जुकाम बुखार हो जाए तत्काल खबर करे कि सर्दी जुकाम बुखार है, वहीं दवाई दिलवाएंगे, कोशिश करेंगे वहीं ठीक हो जाए, नहीं होया तो मैं बैठाऊं भोपाल बुलवा लूंगा मैं तुरंत, लेकिन समय पर बुलाऊंगा तब तो ठीक हो गए ना, अगर समय पर नहीं आ पाए तो फिर फेफड़े खराब हो गए तो मैं क्या करूंगा बताओ। अगर नसलागंज में संभव है नसलागंज करवाएंगे, नहीं एम्बुलेंस उठा के भोपाल ले आएंगे, एक नहीं जितनी जरूरत पड़ेगी मैं एम्बुलेंस खड़ी कर दूंगा, लेकिन मुझे तकलीफ होती है सुन के कि अब फेफड़ों में इंफेक्शन आ गया। अपने कई कार्यकर्ताओं को डांट डांट के मैंने बुला के भर्ती करवाया, कहीं चिरायू में करवाया, कहीं हमीदिया में करवाया, कहीं जेके में करवाया, कहीं नर्मदा में करवाया, और इसलिए छुपाना नहीं भाई, अगर है तो तुरंत बताओ ना कि है तो है, कोई पाप किया है क्या हमने, और घर में पड़े नहीं रहना है किसी को, याद रखो घर में पड़े रहोगे तो अपने दुश्मन तो हो ही, तुम खुद को मार रहे हो लेकिन अपने परिवार के दुश्मन भी हो, बच्चों को भी मार रहे हो। अब गोपालपुर में 26 संक्रमित है, क्यों कोविड केयर सेंटर में नहीं आना चाहिए, अरे हम इलाज करेंगे ना, चिंता काय को करते हैं, लेकिन घर में अगर होम आइसोलेशन ठीक से नहीं हुआ तो परिवार के लोग और संक्रमित हो जाएंगे। अब ये जितनी जगह लाड़ती में 17 हैं, क्यों नहीं आना चाहिए बताइए, या तो आए वहां कोविड केयर सेंटर में, नहीं तो मैं बुलाता हूं। हाँ बिल्कुल सामान्य लक्षण कुछ नहीं है तो फिर घर में आइसोलेशन, मतलब आइसोलेशन फिर घर के कमरे में बंद रहो,
और किट किट की दवाई खाओ। हरे का आना जरूरी नहीं है, मैं नहीं कहता कि बिना जरूरत के आए, लेकिन बताते नहीं है, फिर फेफड़े खराब होने लगते हैं, तब आते हैं, तो नसलागंज में भी हम क्या कर लेंगे फिर बताओ। और इसलिए मेरा निर्देश है, परिवार का मुखिया हूं आपके, परिवार का मुखिया मेरा निर्देश है कार्यकर्ताओं को भी कि गांव में किसी को भी हुआ तो छुपाना मत, तुरंत कहना ही निकलो बाहर, घर दवाई दिला के ठीक कर सकते हो, घर दवाई दिला के ठीक करवाओ, और नहीं तो नसलागंज है, रहती है, बुधनी है, बकतरा, और जरूरत पड़ेगी और बनाएंगे, बुधनी में बना रहे नहीं तो भोपाल लेके आएंगे जी, ठीक करेंगे बिल्कुल, किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन समय पे पता चल जाए ये बहुत जरूरी है। अब एक काम में और आपका सहयोग चाहिए, अच्छा बीमार क्यों हो, संक्रमण से बचो ना, पूरी दुनिया में अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जर्मनी, जापान, संक्रमण से बचना है तो एक ही उपाय है, एक, मिलो जुलो मत, संक्रमण की चेन तोड़ दो, कोरोना फैलता है मिलने जुलने से, और इसलिए गांव में कोरोना कर्फ्यू लगा दो, बाकी काम जान है तो चलते रहेंगे रे, लेकिन अभी तो बच लो ना, कुछ दिन में कंट्रोल कर लेंगे हम, तो फिर मिलेंगे जुलेंगे, इसलिए अपने गांव को कोरोना मुक्त गांव करना है, कसम खा लो, गांव से कोई बाहर नहीं जाएगा, गांव में कोई अंदर नहीं आएगा, सामान की जरूरत है चार लोग तय कर दो, पांच तय कर दो, वो लेने जाएंगे, वो घर घर वितरित कर देंगे, हमारे गांव में कोरोना नहीं घुसने देंगे, नंबर एक। नंबर दो, जहां कोरोना आगे आए गांव में वो चिंता ना करें, उतने घरों को आप कंटेन कर दो, मतलब बंद कर दो, हम उनके दुश्मन नहीं, वो भी हमारे भाई बहन है, उनके यहां सामान पहुंचाने की व्यवस्था, दवाई दवाई के किट की व्यवस्था, या उनको कोविड केयर सेंटर में भर्ती कर दें अपन, या फिर मुझे बता दो, साधना बैठी है, कार्तिक बैठा है, भोपाल ले आएंगे अपन, लेकिन जिन गांव में है उसको वहां कंटेन करके भाई रोकना नहीं, पूरे गांव में फैल जाएगा, परिवार के लोग मिलेंगे परिवार के लोग में फैलेगा, कोई गांव में घूम लिया तो गांव में फैल जाएगा, ये ऐसी दुश्मन बीमारी है कि जरा मैं, और आजकल पहले तो छींकते खांसते थे तब होता था, आजकल जो नया वायरस है वो इतना हल्का है कि वो हवा में भी टहलता रहता है अगल बगल में, और जैसे ही मुंह और नाक खाली मिली वैसे घुस जाता है और आपको संक्रमित कर देता है, और इसलिए गांव में है तो वहीं के वहीं कंटेन कर दो, संक्रमित उसको रोक दो, उस मोहल्ले को वो करके बाकी गांव को कोरोना मुक्त कर दो, कुछ दिन में वो मोहल्ला भी हो जाएगा। शहर में चाहे नसलागंज हो, रहटी हो, बुधनी हो, साहगंज हो, या बख्तरा जैसे कस्बे हो, लाड़कू जैसे कस्बे हो, जिनमें ज्यादा केस आ रहे हैं अभी, पीली करार में आ रहे हैं, बख्तरा में आ रहा है, मैंने अभी बताया भड़कुल में, अब ये वाले जो गांव है हमारे, उनमें भी गांव भी बंद करें और गांव के साथ साथ इन घरों को बंद करें, इन घरों में सामान पहुंचवाने की व्यवस्था करवाएं, कोई चीज की कमी मैं नहीं रहने दूंगा, मुझे बता देना, खबर भर कर दो, प्रमुख लोग सब बैठे हो, ये सामान भेजना मैं भिजवाऊंगा, काहे को चिंता करते हो, व्यवस्था कर दो मैं करवा दूंगा, लेकिन घर के अंदर रखें, और जरा भी लगे कि बुखार उतर नहीं रहा तो सीधे फिर इलाज के लिए बुधनी नसलागंज रहती, नहीं तो सीधे भोपाल लाए, ताकि हम भोपाल में उनकी व्यवस्था कर सकें, और इसलिए तरीका यही है, जहां है भाई रोक दो, बाकी को मत मिलने दो, आपस में मत मिलो, शादी विवाह नहीं होंगे, कोई शादी विवाह नहीं होंगे 15 मई तक, 12-13 मई को हम तय करेंगे कि आगे क्या करना है, क्या स्थिति है, अरे शादी विवाह हुआ तो रिश्तेदारी सब संक्रमित हो गए, दूल्हा दुल्हन संक्रमित हो गए, तो उनकी जिंदगी की हमको चिंता नहीं है क्या, कोई आयोजन नहीं, कोई शादी नहीं, कोई विवाह नहीं, कोरोना से लड़ना तपस्या है, और कोरोना से लड़ना है तो घर में रह के ही लड़ा जा सकता है, बाहर निकल के नहीं लड़ा जा सकता, ये ध्यान रखना, और इसलिए इसका पालन हर एक को करना है, इसलिए आज मैं आपसे बात करने आया हूं। इसके साथ एक बात और, हर गांव में हमने तय किया है, बुधनी विधानसभा में भी, सीहोर जिले में भी, अब पूरे मध्य प्रदेश में मैंने तय कर दिया, अलग अलग टीम बना रहे हैं, जिसमें आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता,
यथासंभव ANM स्वास्थ्य विभाग का अमला, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक घर घर सर्वे करेंगे, तो कार्यकर्ताओं की टीम साथ हो जाए। घर में नहीं है तो आनंद ही आनंद है, कोई कोई सर्दी जुकाम बुखार वाला या दस्त वाला, और अगर है तो तत्काल दवाई देना है मेडिकल किट के, भैया खाओ। और स्त्री पे अपन नजर रखेंगे, जरा भी लगा कि कुछ बढ़ रहा तो तुरंत इलाज के लिए नसलाकंज लाएंगे या बुधनी रेहटी लाएंगे या फिर भोपाल लाएंगे। घर घर सर्वे, उसके बाद जहां जरा भी दिखेगा वहां मेडिकल किट का निःशुल्क वितरण, ताकि वो दवाई खाके वो ठीक हो सके, ये करना है। और जो होम आइसोलेशन में है उनको भी घर निःशुल्क दवाई दे रहे, उनकी चिंता भी करना भाई, कोई सामान की जरूरत हो तो वो पहुंचाना उसके घर, लेकिन वो बाहर नहीं निकलेगा, बाकी परिवार से भी नहीं मिलेगा। और एक काम और कर सकते हैं, अलग अलग पंचायत में सोच लो कि उसको नहीं ज्यादा ज्यादा कोविड केयर सेंटर, और घर में एक ही कमरा है, 5 सदस्य 6 सदस्य कहाँ रुकेंगे, बच्चों को भी साथ सुना है, तो उसको पंचायत भवन या स्कूल में ले जाके ठहरा दो, इनको ही क्वारंटाइन सेंटर बना दो। मैं निर्देश कर देता हूँ कमिश्नर और बाकी सब टीम को, कलेक्टर अभी अपने भी संक्रमित हो गए, तो कुल मिला के पंचायत भवन में रख सकते हैं, स्कूल में रख सकते हैं, अभी तो बंद ही है सब, तो वो घर में जगह नहीं तो वहां हो जाएंगे, ज्यादा दूर नहीं जाना और ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो कोविड केयर सेंटर में या पंचायत भवन में भी रखा जा सकता है। इसकी भी मैं आपसे अपील कर रहा हूं, हमने तय किया है कि 5-5 दल हमने संक्रमित किए हैं ग्राम पंचायतों में, आप लोग भी उस व्यवस्था को देख लेंगे, ताकि कोई मिले सर्दी जुकाम बुखार का तो मेडिकल किट भी दे सकें और उसकी निगरानी भी कर सकें। दवाइयां तत्काल दी जाएगी, अब जो कर सकते हो उनके लिए कह रहा हूं, योग प्राणायाम, अगर कोई को आता है थोड़ा बहुत तो योग करे, प्राणायाम आता है तो प्राणायाम कर सकते हैं, हम रोज प्राणायाम करते हैं उससे फायदा होता है। भाप लेते हैं बहुत ज्यादा, मतलब ना नहीं नाक माक मो जला लो, 5 मिनट थोड़ी थोड़ी भाप, उससे भी फायदा होता है। गर्म पानी के गरारे आप कर सकते हैं, चाय जैसी चीजें गर्म पेय पदार्थ वो पीने से फायदा होता है, वो आप ले सकते हैं। अब काढ़ा की भी मैं व्यवस्था करवा रहा हूँ, उसको भी मैं भिजवाऊंगा, लेकिन काढ़ा भी एक सीमा है, उस सीमा से ज्यादा काढ़ा नहीं पीना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाती है, तो उसकी व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। हर एक ग्राम पंचायत में कोरोना से बचाव के तरीके और जनता कर्फ्यू का पालन करने के लिए कोटवारों के माध्यम से मुनादी भी करवाई जा रही है, कोरोना से बचने वो भी करवाई जा रही है, और इसलिए मैं ये कह रहा हूं घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जरा भी दिक्कत हो तो डॉक्टर से एडवाइज लें, अपने आसपास के स्वास्थ्य केंद्र में जाएं जो अलग अलग विधानसभा में स्थित है, और उसके साथ साथ डॉक्टर के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें, टेस्ट जल्दी करवा लें, और अपने आप इलाज मत करना, नहीं कई को बीमारी कोई और इलाज काहे का भी कर रहे हैं, पीली गोली खा ली मैंने, नीली गोली खा ली मैंने, हरी गोली खा ली मैंने, इससे केस बिगड़ जाता है। बिना चिकित्सक के परामर्श के दवाई मत लेना, उपयुक्त दवाई लेना जिससे कोई दिक्कत ना हो, जनता कर्फ्यू का पूरी तरह से पालन करना, ये मेरा निवेदन है। वैक्सीन के बारे में मेरा ये कहना है कि 45 साल से ज्यादा उम्र वालों को अभी लग रही है, वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है, मैंने और साधना ने भी वैक्सीन लगवा ली है। 18 साल से ज्यादा उम्र वाले बच्चों के लिए वैक्सीन का कार्यक्रम हम प्रारंभ करने वाले हैं 5 मई से, लेकिन सीमित मात्रा में शुरू होगा अभी, और उसके सेंटर भी अस्पताल नहीं स्कूल और बाकी बनाएंगे, अभी थोड़ी देर लगेगी, वो पूरी जानकारी आपको दी जाएंगी, तो समय पर जब वैक्सीन का नंबर आए तो वैक्सीन भी लगवाएं। मेरा यही कहना है अंत में कि बीमारी समय पर इलाज किया जाए तो बिल्कुल खतरनाक नहीं है, मरियल सा वायरस रहता है जरा सा, वो यहीं की यहीं मर जाएगा, लेकिन वो ही वायरस अगर नाक और मुंह के जरिए गले से
अंदर फेफड़ों में चला गया तो कई गुना ज्यादा बढ़ के वो अपने फेफड़े खा जाता है, और फिर किडनी और बाकी चीजों पर भी असर पड़ता है, हार्ट पे भी असर पड़ता है, वो इतना सा वायरस फिर हमको मार डालने की स्थिति में पहुंच जाता है। इसलिए सावधानी में ही सुरक्षा है, समय पे बताएं, किसी चीज की चिंता नहीं करें। हम काय के लिए, ये बुजनी परिवार बैठा है काय के लिए, इसलिए कि इस समय आपकी पूरी मदद कर सकें, और इसलिए आज मैं आपसे जुड़ा हूं। कोई चिंता की जरूरत नहीं है, मैं भी तो दिन और रात काम में लगा हूं, सवेरे से लेकर रात तक, दिन और रात इसकी व्यवस्था करनी, इसकी व्यवस्था करनी, इसकी लगा हूं दिन रात पागलों की तरह। आप काय को चिंता करते हो, आपकी व्यवस्था भी सब करेंगे, मिलकर लड़ेंगे और इससे निपटेंगे। हिम्मत रखना है, मन के हारे हारे मन के जीते जीत, हो गया तो काय को घबराना फबराना, हो गया तो हो गया, इलाज भी करेंगे, छुपा लिया तो खतरे में पहुंच जाएंगे। और इसलिए मेरा निवेदन है, लड़ना है और जीतना है, और लड़ेंगे और जीतेंगे। मध्य प्रदेश में संक्रमण कम होना शुरू हो गया है, एक्टिव केस की संख्या घटने लगी है, आशा का प्रकाश दिखाई दे रहा है। अब हमारे 94,000 एक्टिव केस थे, घट के 87,000 के आसपास पहुंच गए, तो लगातार स्थिति हमारी अब कंट्रोल की दिशा में आ रही है, व्यवस्थाएं भी बनाई जा रही है। आप कोई चिंता ना करें मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, बेटे बेटियों, भांजे भांजियों, इससे लड़के हम जीतेंगे। और जब भी जरूरत पड़ जाए, आप साधना को फोन करें, आप कार्तिकेय को फोन करें, और ये सारे नंबर आपके पास होंगे, हमारे अधिकारियों के नंबर नोट कराऊं क्या? राजेश श्रीवास्तव OSD है, 9425802025, ये राजेश श्रीवास्तव का है। मनीष श्रीवास्तव है, ये भी OSD है, 9893815139। भूपेंद्र परस्ते, इनका नंबर भी है, 9826122939। राजेंद्र जैन है, जो देर रात तक फिर यहां रहते हैं, इनकी पारियां बांध रखी है, कौन कब रहेगा, तो इनका नंबर है 9424547359। SK तिवारी को भी कोरोना हो गया था और लंग्स इन्वॉल्व हो गए थे, लेकिन अब अस्पताल से घर आ गए हैं, अभी 2-4 दिन में वो भी काम शुरू कर देंगे, उनका नंबर भी आपके पास होगा। और इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुसीबत है, कुछ दिन में इससे निपट के और हम निकल जाएंगे। रोज में भोपाल में जो भर्ती होता है, ये जो टीम है, उन सब से फोन पर बात करके उनका हालचाल पूछती है, साधना भी पूछती है, कार्तिक भी पूछते हैं, मैं भी पूछता हूँ, ये टीम लगातार बात करती है हर भर्ती पेशेंट से कि तबीयत कैसी है। यहाँ भी पूरी चिंता करेंगे हम, डॉक्टरों से भी टाई अप करते हैं, मैं खुद बात करता हूँ, और इसलिए मुसीबत है, लेकिन आने वाले दिनों में जल्दी खत्म हो जाएगी। पूरा भरोसा और विश्वास रखिए, मिलकर लड़ेंगे अपन और जीतेंगे। धन्यवाद। अगर मान लो गांव के सामने पानी की बाल्टी रखते तो जो भी आता है।